नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 जुलाई दिन शनिवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस मामले में लालू यादव को मिली राहत। विजय कुमार चौधरी ने सरकार के पक्ष में कही ये बात। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग जायज। मांझी ने इतने सीटों पर जीत दर्ज करने के ठोके दावे। विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश को बताया धृतराष्ट्र। अब चलिए बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। इस मामले में लालू यादव की 22 जुलाई तक टली सुनवाई। लालू यादव को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से IRCTC घोटाला मामले में थोड़ी राहत मिली है। बता दें कि इस मामले में जो सुनवाई होने वाली थी उसे कोर्ट द्वारा 22 जुलाई तक टाल दिया गया। मालूम हो कि फिलहाल इस मामले में लालू यादव जमानत पर है। लालू यादव के अलावा राबड़ी देवी, तेजश्री यादव और अन्य लोगों के खिलाफ भी ईडी द्वारा आरोप पत्र दायर हुआ था। इस मामले में लालू प्रसाद पर आरोप थे कि उनके रेल मंत्री रहते हुए रेलवे का टेंडर देने में घोटाला किया गया था। संजय जायसवाल ने कहा सरकार ने बर्बरता पूर्वक किया लाठीचार्ज। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लाठीचार्ज का मामला बढ़ता ही जा रहा। पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी करते नजर आ रहे। इसके विरोध में बीजेपी द्वारा काला दिवस भी मनाया गया। इसी बीच बीजेपी नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बिहार सरकार पर हमला करते हुए बोला कि सब कुछ साजिश के तहत किया गया है। हमने पहले ही मार्च की सूचना सरकार को दे दी थी लेकिन फिर भी लाठीचार्ज किया गया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। आगे उन्होंने नीतीश और तेजस्वी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया है। वैसा उदाहरण हिंदुस्तान में कभी देखने को नहीं मिला। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग जायज। बिहार में पक्ष विपक्ष के बीच जिस तरह से तनातनी देखी जा रही है इसे लेकर राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में जिस तरह के हालात उत्पन्न हो गए हैं वैसे में अगर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है तो वह पूरी तरह से जायज है। नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। ऐसे में कोई वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर राष्ट्रपति शासन लगाना राज्य के हित में होगा। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश ने बिहार की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। नीतीश कुमार का अब बिहार के किसी सरकारी काम में मन नहीं लग रहा। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि अब उनको कोई रुचि नहीं रह गई है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वे जनता को बीच मझधार में छोड़ दें। विजय सिन्हा ने प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज पर कहा शासन बदलते ही करेंगे कार्रवाई। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने बीजेपी प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता के हुए मौत वाले मामले पर कहा है कि कुछ अधिकारी वर्तमान सरकार के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि हम उन पर नजर रखे में हैं। शासन बदलते ही हम कार्यवाही करेंगे। जिस तरह से पुलिस व अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी नीतीश सरकार के खिलाफ भाजपा द्वारा प्रदर्शन के दौरान विधानसभा मार्च में हिस्सा लेने के दौरान पार्टी के जहानाबाद जिला महासचिव विजय सिंह के मौत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही बयान दे रहे थे, इन बयानों को लेकर भी विजय सिन्हा द्वारा कड़ी आपत्ति जताई गई। मांझी ने इतने सीटों पर जीत दर्ज करने के ठोके दावे। जीतना मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि आओ अले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो हमारी तैयारी अच्छी होगी और हम कम से कम 20 सीटों पर जीत दर्ज कर लेंगे। फिलहाल तो हम 5 सीट पर जीत दर्ज करने ही वाले हैं। बता दें कि 18 जुलाई को NDA के विस्तार के लिए बीजेपी ने NDA के साथ आने वाले सभी पार्टियों को बुलावा भेजा है जहां जीतना मांझी की पार्टी भी शामिल होंगी। हो सकता है कि इसी कड़ी में आगे मांझी अपने पार्टी की भाजपा के साथ औपचारिक रूप से गठबंधन का ऐलान करे। हालांकि फिलहाल गठबंधन में शामिल होने की तैयारी की जा रही। बीजेपी के 63 नेताओं पर केस दर्ज लेकिन सम्राट व विजय सिन्हा का नाम नहीं है शामिल। बिहार में बीजेपी नेताओं द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान जिस तरीके से मामला बढ़ा और लाठीचार्ज, वाटर कैनन व आंसू गैस छोड़ने की स्थिति बनी इसे लेकर सियासी पारा काफी बढ़ा हुआ है। इसे देखते हुए बीजेपी के कई नेताओं पर केस दर्ज भी हुए। मिली जानकारी के अनुसार पटना में विधानसभा मार्च करने वाले बीजेपी के कुल 63 नेताओं पर पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है लेकिन ABP न्यूज में चल रही खबरों के अनुसार खबर लिखे जाने तक इन 63 नेताओं में से बिहार में मौजूद बीजेपी के 2 दिग्गज नेता सम्राट चौधरी व नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का नाम शामिल नहीं है जबकि प्रदर्शन में इन 2 चेहरों को भी मुख्य रूप से देखा गया था। हालांकि पुलिस के द्वारा यह भी कहा गया है कि जांच जारी है व आगे और भी नाम जुड़ सकते हैं। JP नड्डा ने चिराग को NDA की बैठक में शामिल होने के लिए भेजा निमंत्रण। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। लगातार NDA के विस्तार और उससे संबंधित बैठक की बात हो रही। अब इसी कड़ी में बिहार में भी बीजेपी अपनी जमीनी स्तर को मजबूत बनाने में लगी हुई है जिसे लेकर कई तरह की रणनीति तैयार की जा रही है। बिहार में मौजूद छोटे छोटे दलों को साथ लाकर NDA का विस्तार करना चाह रहे हैं। अब इसी कड़ी में चिराग पासवान को भी मोदी कैबिनेट में जल्द ही जगह मिलने की अटकलें तेज हो गई है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने चिराग पासवान को
एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए एक पत्र लिखा है। बता दें कि सोशल मीडिया पर भी यह पत्र काफी वायरल होता दिख रहा। एनडीए की बैठक को लेकर संतोष मांझी ने कही ये बात। जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने एनडीए में होने वाली बैठक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए की अहम मीटिंग होने वाली है। इस बैठक में एनडीए का पूर्ण स्वरूप दिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होने वाले इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। हालांकि इस मीटिंग में सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं होगी। वहीं मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि यह पीएम मोदी का विशेषाधिकार है। आगे उन्होंने बीजेपी के जांच कमेटी के पटना आने को लेकर बताया कि टारगेट कर बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज किया गया है, लेकिन बिहार की जनता देख रही है। 2024 और 2025 में होने वाले इलेक्शन में जनता जवाब देगी। रविशंकर प्रसाद ने नीतीश सरकार को बताया तानाशाह। बीजेपी प्रदर्शन के दौरान हुए बीजेपी नेता की मौत का जिम्मेदार पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर लगा रही। इसे लेकर अब बीजेपी नेता व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह बेशर्मी की हद है। आगे उन्होंने ललन सिंह द्वारा मिर्च फेंकने वाली बात को लेकर कहा कि कौन बदतमीज इस तरह की बात कर रहा है। पटना में मैंने सारे तत्वों की जानकारी प्राप्त की है। नीतीश कुमार की सरकार तानाशाह हो गई है। बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है। इनको पूरा अधिकार है कि तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगे। यह दोबारा चार्जशीट हुई है। इस मुद्दे पर नीतीश कुमार ने 2017 में इनका साथ छोड़ा था। डोमिसाइल नीति को लागू करवाने के लिए जब हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो इस पर आप लाठी चलवाएंगे, गिरफ्तार करेंगे, इसका क्या मतलब है? हमारे साथ ही विजय शहीद हुए और आप मजाक कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपने पुलिस को निरंकुश नहीं बनाए। विजय कुमार चौधरी ने सरकार के पक्ष में कही ये बात। वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले अनुपूरक बजट को मानसून सत्र के अंतिम दिन पारित कर दिया गया। अब इसे लेकर विजय कुमार चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार के पक्ष में कहा है कि नए वित्तीय वर्ष के 3 महीने गुजर चुके हैं। बिहार के 3.5 लाख शिक्षकों के वेतन के लिए केंद्र ने अपने हिस्से की राशि नहीं दी है। आगे उन्होंने बताया कि शिक्षकों को जून तक का वेतन राज्य सरकार ने अपने खजाने से दिया है। इससे स्पष्ट है कि भाजपा के नेतृत्व में वाली केंद्र सरकार शिक्षकों के बहाने मात्र राजनीति करती है। केंद्र को शिक्षकों की कोई चिंता नहीं है। विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश को बताया धृतराष्ट्र। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस पर हत्या का केस होना चाहिए। हमने राज्यपाल से मांग किया है कि इन लोगों पर अंकुश लगाएं। ये सरकार अब सत्ता में रहने के योग्य नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या की गई है। लोकतंत्र में विश्वास नहीं। सदन में आवाज उठाने नहीं देंगे और सड़क पर आवाज उठाएंगे तो लाठी बरसाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार गद्दी के लिए भ्रष्टाचारियों से भी समझौता कर धृतराष्ट्र बन चुके हैं, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि धृतराष्ट्र जब जब उच्च सत्ता के लिए समझौता करते हैं तो महाभारत होता है। ऐसे में अब बिहार में हमारी जनता के बीच महाभारत होगी। आनंद मोहन ने इस पार्टी में शामिल होने के दिए संकेत। जब से बाहुबली कहे जाने वाले नेता आनंद मोहन डीएम हत्या के मामले में जेल से रिहा होकर बाहर आए हैं, तब से उनके राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई थी। अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर आनंद मोहन किसकी पार्टी के साथ जाएंगे। हालांकि जेल से आए काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक आनंद मोहन का रुख किसी भी राजनीतिक पार्टियों को लेकर साफ नहीं हुआ है। लिहाजा अब तक यही देखा गया है कि आनंद मोहन बीजेपी व इस सत्ताधारी पार्टी के शासन व्यवस्था को लेकर अक्सर हमलावर रहे, लेकिन इस दरमियान उन्होंने महागठबंधन पर एक आवाज तक नहीं उठाई। खैर, आनंद मोहन ने अब कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे किस पार्टी के तरफ अपना रुख कर सकते हैं। दरअसल आनंद मोहन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राजद एक समाजवादी धारा की पार्टी है। ऐसी पार्टी से उनकी पत्नी व पूर्व सांसद लवली आनंद विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है। राजद से उनके पुत्र चेतन आनंद सिवहर के विधायक है। वे भी हमेशा एक समाजवादी धारा से जुड़े हुए रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि हम उसी धारा के साथ है जो समाजवादी धारा से आते हैं, गरीब वंचितों की आवाज को उठाते हैं, हम उन्हीं के साथ हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फ्रांस में हुई नई राफेल डील को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा कि मणिपुर जल रहा यूरोपीय संघ की संसद में भारत के आंतरिक मामलों को लेकर चिंता जताई जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री फ्रांस के वेस्टल डे परेड में व्यस्त है और राफेल की डील कर रहे हैं। मालूम हो कि यूरोपीय संसद द्वारा भी पिछले कई महीनों से मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की गई है। इस मामले को लेकर एक प्रस्ताव भी यूरोपीय संसद पेश किया गया। हालांकि इस प्रस्ताव को भारत द्वारा खारिज कर दिया गया। साथ ही भारत ने आपत्ति जताते हुए कहा कि हमारे आंतरिक मामलों में किसी भी अन्य देश का हस्तक्षेप हम स्वीकार नहीं करेंगे। ललन सिंह ने कहा, भाजपा के लिए कार्यकर्ता केवल राजनीतिक मोहरे। बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ललन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लिए कार्यकर्ता सिर्फ राजनीतिक मोहरे हैं, वह केवल इनका उपयोग करना जानती है। आगे उन्होंने कहा कि गुरुवार के अपने जुलूस में उपद्रव फैलाकर भाजपा ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि हिंसा और उन्माद की राजनीति उनके रग रग में बसी है। भाजपा ने अपने मार्च के दौरान पहले बाहरी तत्वों का प्रवेश कराया और फिर पुलिस पर हमला करवाया। इस दौरान उनके एक दो नेताओं को छोड़कर कोई भी बड़ा नेता इन कार्यकर्ताओं के बीच नहीं दिखा। भाजपा
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तो सड़क पर बैठे रहे। झड़प के दौरान उनके सभी बड़े नेता पीछे एक बड़ी गाड़ी में सवार होकर आपस में हंसी ठिठोली करते रहे। जब जेल से ले जाने वाली गाड़ी आई तो उसमें सवार होकर निकल गए। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी को कहा, दूसरे को दोष देने से क्या होगा। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विकास के दावों की पोल खोलते हुए कहा है कि आप यहां सरकार चला रहे हैं और दोष दिल्ली में बैठे हुए लोगों को दे रहे हैं। आपको किसने रोका है बिहार में स्कूलों को ठीक करने से? आपको किसने रोका है बिहार में बढ़िया अस्पताल बनाने से? आपको किसने रोका है बिहार में सड़क को ठीक करने से? आपको किसने रोका है यहां रोजगार पैदा करने से? आगे उन्होंने कहा कि ये सिर्फ राजनीति हो रही है। बिहार के स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पर 40,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार हर साल खर्च करती है। इसमें केंद्र का क्या लेना देना है? इतने पैसे लगाकर बिहार में अगर अच्छे स्कूल बना दिया जाएगा तो क्या केंद्र सरकार इसे रोक देगी? केंद्र की सरकार मदद नहीं कर रही, बिहार के लिए कुछ विशेष नहीं कर रही। वो बात तो ठीक है, लेकिन बिहार सरकार का अपना जो बजट है 2,60,000 करोड़ रुपए का, उस पैसे का इस्तेमाल कर बिहार के लिए कुछ तो अच्छा करके दिखाइए। दूसरों पर दोष देते रहने से क्या होगा? फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रिशु, अरवर करीम खान, नरेंद्र कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, बाबूलाल मरांडी, रविशंकर। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, एनडीए बिहार में छोटे छोटे दलों को साथ लाकर क्या आगामी चुनाव में कामयाब हो पाएगी? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।